इस वक्त की बड़ी खबर है अमेठी से, जहां अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान के बाद रॉबर्ट वाड्रा की आई पहली प्रतिक्रिया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है अमेठी से, जहां कांग्रेस ने यूपी की दो चर्चित सीटें अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रायबरेली से जहां राहुल गांधी मैदान में हैं, तो वहीं अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को टिकट मिला है। यह चर्चा थी कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस उम्मीदवार बन सकते हैं। इस बीच टिकट न मिलने के बाद अब रॉबर्ट ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया है। रॉबर्ट वाड्रा उम्मीदवार के ऐलान से पहले कई बार अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। वाड्रा ने कहा था कि लोगों की सेवा करना चाहते थे और अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें यह मौका देती है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। वाड्रा कई बार एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की बात कह चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार उन्हें अमेठी से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया।